कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ है, अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं, उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का, मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIR, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं, सखर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पिशावर तैयार हो जाओ उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बावलपुर, फिर सरगोधा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरावाला, और आखिर में क्वेटा, आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं आवाम में निकल रहा हूं, मैं सारी अपनी आवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उसकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे, जिस तरह तहरीके पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीके पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ, आपने घर घर जाना है, मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है।